यहाँ पे इस फिगर 7.5 में वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक लेमिना है दैट इज इन एक्स वाई प्लेन. सो दैट इज द लेमिना और ये एक्स वाई प्लेन में है. टू एक्सिस जेड एंड जेड डैश, दिस इज जेड एंड दिस इज जेड डैश दैट पास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. अ फोर्स एफ एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द लेमिना एट पॉइंट पी. तो ये पॉइंट पी है और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है इसी प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, फोर्स इसी प्लेन में एक्ट कर रही है. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. तो नीचे गिवन स्टेटमेंट्स में से आपको देखना है कि कौन कौन सी ट्रू हैं. और यहाँ पे कह रहा है द पॉइंट पी इज क्लोजर टू जेड एक्सिस, मतलब जो ये गैप है ये गैप इस गैप से कम है. ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ओ, इसका नाम रख लेते हैं ओ डैश. तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ डैश पी इज लेस देन ओ पी, ये गिवन है. पहली ऑप्शन में क्या कह रहा है, टॉर्क टॉ कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस. ठीक है, तो ये फोर्स है, इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट इट, इस फोर्स का टॉर्क. तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहां से लेके यहाँ इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और फोर्स पे, यहाँ फोर्स एक्ट कर रही है. तो आप ये देखिए ये जो डिस्टेंस है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो इसको मैंने लिख लिया आर. ठीक है, अब जो आर की डायरेक्शन है वो ये है. ठीक है, इट इज इन द प्लेन ऑफ द लेमिना. तो जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एफ, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में, देन द थंब विल बी अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, इट विल बी अलोंग पॉजिटिव जेड नॉट नेगेटिव जेड. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड में क्या कह रहा है, द टॉर्क टो डैश कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड डैश एक्सिस इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मीन्स माइनस के कैप. तो इस ऑप्शन को देखते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करें, यहां से इस एक्सिस से ये वेक्टर ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है, से दिस इज आर डैश. तो जब मैं आर डैश क्रॉस एफ करूंगा इस तरह से, सो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम आर डैश टू एफ, देन द थंब विल पॉइंट इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है. जो टो डैश की डायरेक्शन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लेमिना एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, टो डैश इधर होगा. क्लियर? सो सेकेंड ठीक है. थर्ड, टॉर्क टो कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन दैट अबाउट द जेड एक्सिस. सो यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे जेड डैश आना चाहिए. तो इस सिचुएशन को देखते हैं, तो टॉर्क हमारे पास क्या है, आर एफ साइन थीटा. तो यहाँ पे ये जो एंगल की सिचुएशन है इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर तो सी ऑप्शन को करेक्ट बताया हुआ है, बट यहाँ पे सी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा तो ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमें एंगल नोन नहीं है. क्यों एंगल नोन होना क्यों जरूरी है, तो जैसे आप यहाँ पे देखें ये जो एफ है, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये एफ दिखा रखा है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो एफ है सपोज ये इसी लाइन के अलोंग होता, तो यहाँ पे जबकि इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस से तो ज्यादा है, ठीक है, बट जो टॉर्क प्रोड्यूस होता वो केवल इसी एक्सिस के अबाउट होता, इस एक्सिस के अबाउट ना होता. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो एंगल है ये कितना है. ठीक है, बट अगर केवल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे इसने लिखा है कि ये जो पॉइंट पी है दैट इज क्लोजर टू जेड डैश एक्सिस देन द जेड एक्सिस. ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर हम ये कहें कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, बेसिकली वो गलत होगा. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हमें देखना पड़ेगा.
उसके बेसिस पे अगर हम कहें तो अगर ये कहता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये ज़्यादा है बजाय इसके, तब तो हम कह देते कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय एफ अबाउट दिस एक्सिस इज मोर देन दिस एक्सिस। तो केवल उसी सिचुएशन के अंदर ये वाली जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगी, अदरवाइज ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट डाटा कहेंगे हम कि यहाँ डाटा सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि इस फोर्स का जो टॉर्क है वो इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है और इस एक्सिस के अबाउट कम है, क्योंकि यहाँ पे एंगल की क्लैरिटी नहीं है। डी ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, टॉर्क टोटल टॉर्क इज गिवन बाय द सम ऑफ दीज टॉर्क्स, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क्स का सम किया हुआ है बट ये जो टॉर्क्स हैं टो और टो डैश ये दो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट टॉर्क्स हैं, तो इनको हम सम नहीं कर सकते। जिन टॉर्क्स का सम होगा दे हैव टू बी अबाउट अ गिवन एक्सिस, एक कोई एक्सिस है उसी के अबाउट जो टॉर्क्स होंगे उन्हीं का आप सम कर सकते हैं, अलग अलग एक्सिस के अबाउट टॉर्क्स का सम पॉसिबल नहीं है। इट हैज नो फिजिकल मीनिंग देन। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो जो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन है वो बी है, सी पार्शली ट्रू है। अगर हमारे को यहाँ पे क्लैरिटी होती थीटा की तो तब हम ज़्यादा बेटर बता सकते, पर वो क्लैरिटी हमको यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बट केवल अगर डिस्टेंस की बात देखें तो ये वाली ऑप्शन बेटर बनती, तो ये वाला जो सिचुएशन है तभी ठीक बनता है कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करके इसने किया हुआ, बट ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल बी ऑप्शन को ही करेक्ट मानेंगे।